ओ माय गॉड, ये सोवल देख रहे हो कितना ज्यादा फास्ट है। फ्लैशबैक। यो व्हाट्सअप गेमर्स, इट्स योर बॉय एपिक एंड गाइस, आज हम लोग क्राफ्ट करने वाले $1 million गॉड सोवल। देखो मुझे पता है सोवल की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन जिसकी कोई इज्जत नहीं होती उसकी बेइज्जती भी नहीं करते हम लोग। वैसे मैं यहाँ पे कोई मस्त डायलॉग मारने की सोच रहा था, लेकिन मेरे गोबर दिमाग में कुछ आया ही नहीं। ओके तो लेट्स गो, चलो बनाते अपना सोवल, स्टार्ट द एडवेंचर, लेट्स गो। कुछ नहीं हुआ यार, मेरा पोपट मत कर रहे, चालू हो ना जल्दी। ओके, ये क्या घटिया सोवल का रेसिपी दे दिया यार, इन सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ $1 million की चीजें बनाने, ये लोग मुझे $1 की चीजें थमा देते हैं। इसी बंदे ने ये मैप बनाया, सर जी ऐसा नहीं करते भाई। ओ माय यूट्यूब चैनल गाइज, बेला भी एक यूट्यूब चैनल है जिसकी वीडियो पे कोई लाइक नहीं मिलता एंड सब्सक्राइब तो कोई भी करता ही नहीं है। तो फालतू की बकवास गिरी कर ली मैंने, लेकिन अब ये बताओ ये क्राफ्ट कैसे करूँ। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल तो रखा है, यू मे क्राफ्ट ओनली वन आइटम एट ए टाइम, मुझे तो ये पता है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टिक्स हैं। अच्छा तो इसी की मदद से सबसे पहले हम लोग को $1 वाला सोवल बनाना है। ये देखो बना तो लिया है, लेकिन अब इसका करूँ क्या। वैसे भी ये सोवल का हथौड़ा ज्यादा लग रहा है, इसका टकला फोड़ू ना, इसका टकला नहीं फोड़ सकता, तो इससे करूँ क्या मैं। हेलो सर, आपका टकला फोड़ सकता हूँ ना, ये भी नहीं कर सकता, तो करूँ क्या। क्या इसे तोड़ सकता हूँ, यस इसे तोड़ सकता हूँ मैं, तो मेरे को यही करना है, इसे भी तोड़ो। एंड सोवल भी टूट गया ऑलरेडी, वो डॉट सोवल इज रियली बैड। हाँ मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे इसे फिर से बनाना पड़ेगा। ये रहे स्टिक्स, बना लेते हैं, क्या जाता है, फ्री का तो सारा सामान मिल रहा है। और फिर से क्या इन सभी को तोड़ना पड़ेगा यार, यही दिन रह गए, मैं यही सब तोड़ता रहूं। अच्छी बात नहीं है निको द प्लो भाई साहब, आप मुद्दे थे थोते बत्ते थे काम करवाते हो। ओ नया क्राफ्टिंग रेसिपी मिल गया, लेट मी सी, इससे हम लोग एक ब्लॉक बना सकते हैं। चलो फटाक से ये वुडन प्लैंक भी बना लेते हैं। अच्छा अब हम लोग नॉर्मल सोवल भी बना सकते हैं। बताओ नॉर्मल सोवल बनाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया, गॉड सोवल बनाते बनाते तो मेरी वॉटी लग जाएगी। तो ये बन गया हम लोगों का नॉर्मल सोवल, ये $10 का है, लेट्स सी व्हाट इट कैन डू। अरे पता है हम लोग सोवल से सैंड बैंड माइन कर सकते हैं, नूब समझ रखा है क्या। गाइज इसने जमाल घोटाला कर रखा है, नहीं तो सभी को तो पता ही है सोवल से हम लोग डर्ट वर्ट माइन कर सकते हैं। ओके ग्रास ब्लॉक टूट रहा है, ये देखो हम लोग को वीट मिला, तो मुझे ये सब यहाँ पे प्लांट करना है। फिर से ये कुछ बोलने लगा, भाई ये बंदा बहुत ज्यादा बात करता है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं हम लोगों ने सीड तो प्लांट कर लिया, लेकिन उसे ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत बोन मिल चाहिए, जो कि यहाँ से मिलेगा। चलो पांच पांच बोन मिल कलेक्ट कर लिए हैं मैंने। अरे व्हाट द हेल, एक ही वीट है यहाँ पे। ओए इन लोगों ने चोरी तो नहीं कर लिया, जल्दी जल्दी बता दो नहीं तो रेसिपी पटक के मारूंगा। तो चलो वीट तो प्लांट कर दिया है, अब मुझे यूज करना पड़ेगा बोन मिल। इधर हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, अरे कम पड़ गया बोन मिल। इतने से थोड़ा सा और बोन मिल कलेक्ट करना पड़ेगा, तो चलो इसे भी ग्रो कर लेते हैं। एंड मैंने सभी को तो ग्रो कर लिया, तो अब बताओ अब क्या करना है, शायद इन सभी को इस सोवल से तोड़ना है। ओके हम लोग तोड़ सकते हैं इन सभी को, चलो चलो सभी लूटने दो। फिर से ये कुछ बोलने लगा है, द फ्रोजन, छोटी मोटी शब्दों में बोला जाए तो इन सभी फ्रोजन भीट को इसके ऊपर फेंक के हम लोग इन सभी को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दिखाता हूँ, ये देखो पहले ये कर सकते हैं हम लोग, एंड इसके बाद सोवल की मदद से इन सभी को तोड़ सकते हैं। एंड ओके एक न्यू रेसिपी भी मिल गई हमें, और इतने हम लोग बना सकते हैं $100 पिकैक्स। क्या तुम लोग मुझसे चिंदी चिंदी काम करवा रहे हो, चलो हम लोग थोड़ा वो सिटी पिटी कर लेते हैं। मैं तुम्हें ₹10 दूंगा एंड तुम मुझे $1 million गॉड पिकैक्स दे देना। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो इस $100 पिकैक्स को बनाने के लिए हम लोगों को फिर से थोड़ा सा फ्रोजन वीट चाहिए होगा। चलो इसका भी इंतजाम हो गया, तो फाइनली ये पिकैक्स भी हम लोग बना सकते हैं, लेट्स गो लेट्स मेक इट। एंड ये बन गया हमारा $100 पिकैक्स, कहाँ भाग गया, अच्छा यही तो है मेरे सामने। और इस सोवल की मदद से हम लोग तोड़ सकते हैं कॉन्क्रीट पाउडर, यार मजदूर बना के रख दिया है मुझे ब्रो। अब मैं ये कॉन्क्रीट पाउडर कहाँ से लाऊं, ये तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, इत्थे है क्या, शायद यही है, चलो तोड़ के देखते हैं, यस यही था। एंड फिर से मुझे एक न्यू क्राफ्टिंग रेसिपी मिल गया, ठीक है अभी तुरंत ट्राई करूंगा। आज मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से ये मैप नहीं खेल रहा हूँ, क्या बोलूं, अब पैसे की बात आती है तो मैं एकदम एक्साइटेड हो जाता हूँ। ओके सर ये भी बना लिया, अब फटाक से बताओ आगे क्या करना है। ये तो अपनी जुबान नहीं खोल रहा है, मुझे ही अपना बिग ब्रेन लगा के कुछ पता करना पड़ेगा। इधर ये क्या है, इधर भी कॉन्क्रीट पाउडर है, इसे भी तोड़ना है क्या, लगता तो यही है यही करना था। देखो रेसिपी मिल गया, अच्छा ठीक है तो इन सभी को भी हम लोग को एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, चलो कर देते हैं। निको भैया की बात मानी लेते हैं हम लोग। फिर से यार फिर से एक न्यू क्राफ्टिंग रेसिपी मिल गया, यार कितना क्राफ्ट करवाओगे, इतना क्राफ्ट करने से अच्छा होता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता।
ये देखो अभी तक मैं कितनी सारी चीजें क्राफ्ट कर चुका हूँ और अब मुझे ये क्राफ्ट करना पड़ेगा। यार ये बंदा तो बाल मजदूरी करवा रहा है, इस पे लगता है पुलिस कंप्लेन फाइल करना ही पड़ेगा। गाइज मैं आया थोड़ी देर में बाल मजदूरी करके, तुम लोग कहीं जाना मत। A few minutes later. तो मैंने ये खतरनाक क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए सब कुछ कलेक्ट कर लिया है, तो बस इसे क्राफ्ट करना है जो कि होगा ऐसे। तो इन चारों को रखना है इधर, इसे रखना है कॉर्नर्स पे एंड इसे रखना है मिडिल पे, एंड बन गया हमारा क्राफ्टिंग टेबल। अरे बन तो गया, लेकिन गया कहाँ पे? चोरी हो गया क्या? अच्छा ठीक है, मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा क्राफ्टिंग टेबल तो लौटा दो। देखा ऐसा ना करा हमका साथ। अरे मैं फालतू का टेंशन ले रहा हूँ, इस साइड है क्राफ्टिंग टेबल, ये तो जादू हो गया, उधर से डायरेक्ट इधर आ गया। तो ये देखो ये रहा 5x5 क्राफ्टिंग टेबल। अब यहाँ पे भी कुछ क्राफ्ट करना पड़ेगा, क्या क्राफ्ट करना है उसके लिए इसकी बातें पढ़नी पड़ेगी। द नेक्स्ट शॉवल यू विल हैव टू क्राफ्ट इज मशरूम शॉवल, कलेक्ट सम मशरूम्स। ओके तो अब हम लोगों को मशरूम्स कलेक्ट करना पड़ेगा। ये रहे मशरूम, चलो कलेक्ट करते हैं। 1, 2, 3 बहुत सारे कलेक्ट कर सकते हैं। 4, 5 अरे रुक जाओ, 5 नहीं 25। भाई साहब आपको गिनती नहीं आती, मैथ्स का क्लास करना चाहिए था आपको। तो इन सभी को हम लोगों को पहले कन्वर्ट करना है मशरूम ब्लॉक में, और फिर से इन प्यारे भाई साहब ने मुझे एक रेसिपी दे दिया। ये देखो इससे हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं। ओ माय गॉड, देखने में तो ये खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्राफ्ट करना इजी है, बस हम लोग को थोड़े बहुत बोनमील चाहिए। स्टिक्स तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये मशरूम ब्लॉक जाएगा इधर, ये सारे जाएंगे इस साइड, इधर ये दोनों स्टिक रखना है एंड इस साइड ये दोनों स्टिक रखना है। एंड ये क्या मिल गया भाई, ये तो देखने में बजूका लग रहा है। इस बजूका से मैं क्या करूं, इसका टकला फोड़ू? ना ये नहीं कर सकता। इसका टकला फोड़ता हूँ? ना ये भी नहीं कर सकता। अरे रुक जाओ, एक और क्राफ्टिंग रेसिपी मिल गया है। कहा ना ये क्राफ्टिंग करवा के मेरा दिमाग खराब कर देगा। तो इसे क्राफ्ट करने के लिए हम लोगों को 3 ब्लॉक्स ऑफ मशरूम चाहिए। चलो यहाँ से फटाक कलेक्ट कर लेते हैं, थैंक गॉड इसका मैथ खराब है। हम लोग कलेक्ट करते हैं 3 मशरूम, हम लोग को मिलता है अनेक मशरूम। ये क्या घटिया साड़ी मारा, लेट्स गो इसे भी बना के देख लेते हैं हम लोग आखिर इससे कर क्या सकते हैं। एंड कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये वाला स्टिक रखना था, एक बस रखना है। एंड ये तलवार बन गया, थैंक गॉड। चलो फाइनली कुछ ऐसा मिला जिससे मैं किसी का टकला फोड़ सकता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा था, इसका टकला फोड़ना है। अरे सच्ची में नहीं पता यहाँ पे करना क्या है, इन सभी का टकला नहीं फोड़ सकता, इसका भी नहीं फोड़ सकता। रुक जाओ इसकी लंबी चौड़ी भाषण पढ़ने पड़ेगी। पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि मुझे इस बजूका को इसके टकले के ऊपर फेंकना है। ओके ये तो मुझे गुस्से में लग रहा है, देखो गुस्से से लाल हो रखा है ये। हेलो सर, क्या आप गुस्सा हो? आपको एक मशरूम चाहिए क्या? ये लो। गुस्सा नहीं है लेकिन इसे गुस्सा दिलाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को इसे टपकाना पड़ेगा। इसे टपकाने के बाद मुझे कुछ मस्त मस्त चीजें मिलेंगी, तो इससे पंगा लेना पड़ेगा। भाई इधर मत आओ, मैं बस छोटा मोटा बच्चा हूँ जो कि इसके लिए बाल मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे डरता नहीं हूँ। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे भाई एक शॉट में ये मुझे टपका ही डालेगा। नहीं वैसे एक शॉट तो नहीं लगता, लेकिन सच्ची में ये मुझे टपका सकता है। G4 गोलम के बच्चे आ जाओ, अभी मैं तुम्हारी C4 चड्डी खोलता हूँ। यार इसमें बहुत ज्यादा स्टैमिना है, अभी तक ये नहीं टपक रहा है, शायद ये यहाँ पे अटक गया। लॉल लगता है सच्ची में अटक गया, एंड इसने मुझे कुछ मस्त चीजें दी है। Awesome, it's time to make our 1000 मशरूम सॉवल। बताओ अभी तक मैंने इतना मेहनत किया एंड अब जाके मैं $1000 सॉवल बना सकता हूँ। खैर छोड़ो, देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो मुझे एक खतरनाक सा रेसिपी मिला है जो कि ये रहा। इसके लिए मुझे 5-5 मशरूम ब्लॉक चाहिए, ठीक है। बीच में कुछ अंडे जैसा भी है जो कि मेरे पास है। अच्छा ये मशरूम रूबी है, चलो मशरूम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो ढेर सारे मशरूम है, 54 मशरूम मिल चुके हैं। चलो इससे तो शायद ढेर सारा ब्लॉक बन जाना चाहिए। एंड फाइनली यस, हम लोग बना सकते हैं अपना ये क्या है, $1000 सॉवल। यार कितना मेहनत करवाएंगे, अभी तक 1000 वाला ही बना है। बदला लूंगा मैं निको भैया आपसे, भूलूंगा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग इस सॉवल को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसे गिरा के मशरूम स्ट्यू कलेक्ट करना है एंड इसे इस पिक को खिलाना है। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही करना है। लो भैया खा लो। ओ माय गॉड, टकला फोड़ने का टाइम आ गया, चलो इसका टकला फोड़ते हैं। ओ एक बार में मर जाता है, लॉल। एंड गाइस फाइनली हम लोगों को मिल चुका है $10,000 सॉवल की रेसिपी। हाँ रेसिपी मिला है, इसे अपग्रेड करना पड़ेगा पहले। चलो मिलता हूँ मैं आप लोगों से 3000 साल बाद। 3000 years later. तो ये बन गया हमारा
$10,000 सोवल। ये सोवल यूजलेस है, यस, क्योंकि इसे पानी में गिरा के हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं एंड अब फाइनली हम लोग बना सकते हैं $1,000,000 सोवल। एंड इसके लिए आलू के समोसे मुझे फिर से बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। One eternity later. तो दोस्तों वो घड़ी 1,00,000 साल बाद आ ही चुकी है जब मैं फाइनली बना सकता हूँ $1,000,000 गॉड सोवल। यार मैंने इतना बार वन मिलियन बोल दिया ना कि मेरा जुबान दुख गया है। एंड टडा, ये देखो ये बन गया हमारा $1,000,000 गॉड सोवल। यार इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। तो चलो अब टाइम आ चुका है कि इस सोवल का यूज करके हम लोग इसका टकला फोड़े हैं। नहीं इसका टकला तो नहीं फोड़ सकते, लेकिन ये देखो भाई कितना तेजी से ये माइन हो रहा है। कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो गया? इतना फास्ट तो क्रिएटिव मोड में भी नहीं कर सकते हैं। गाइस इसका सेकंड एबिलिटी ये देखो भाई, एक बार में ये स्ट्रेट डिगिंग डाउन कर देता है एंड बीच में जितने भी ब्लॉक्स रहेंगे वो सभी हम लोग को मिल भी जाएंगे। और इसकी सबसे मस्त फैसिलिटी ये है कि सोवल की मदद से हम लोग उड़ भी सकते हैं। ये देखो मैं हवा में लटक रहा हूँ, ये हमारा सस्ता इलाइट्रा हो गया। गाइस ये देखो इसका ये फीचर तो और भी ज्यादा मजेदार है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे रेनबो कलर बन जा रहा है। ये मस्त लगा मुझे, इसके लिए तो निको भैया की तारीफ करनी ही पड़ेगी। एंड इसके और भी डिफरेंट टाइप के यूजेस हैं, लेकिन तुम लोग को सारे मेन चीज मैंने दिखा दिए हैं। तो यस आज के पगलेट गिरी में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।